त्योहार के सीजन में केमिकल युक्त सफेद दूध से तैयार हो रहा है पनीर, घी एवं मिठाइयां। हाथरस में अन्य जनपदों से टैंकरों द्वारा लाया जा रहा है केमिकल युक्त सफेद दूध। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोबर। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हाथरस जनपद में इस दीपावली के मौके पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। अगर सूत्रों की माने तो पर्व के चलते हाथरस जनपद में टैंकरों द्वारा केमिकल युक्त सफेद दूध लाया जा रहा है। तरह का मामला है जो दूध को लेकर के जो आ रही है, शिकायतें आ रही है, क्या है जानकारी आपको? दूध असल में दूध बाहर से आ रहा है केमिकल युक्त दूध, उससे मिठाइयाँ बन रही हैं, उससे पनीर बनना है, उससे अन्य जो भी चीज़ें, उससे घी बनना है, जो भी चीज़ें उसके दूध के उत्पाद की हैं सब नकली दूध से बन रही हैं। और अब सरकार उसमें संज्ञान बिल्कुल भी नहीं ले रही है, प्रशासन नहीं ले रहा है, प्रशासन ना पकड़ने की बात कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। सब पूरी जनता नकली दूध का उत्पाद खा रही है। क्या दुष्प्रभाव हो रहा है? तमाम तरह के रोजाना कैंसर से आदमी, अब 70-80% कैंसर से आदमी मर रहा है, वो उसका कारण क्या है? नकली दूध है भाई, तमाम तरह के केमिकल खा रहा है वो तो सोच के आ रहा है घर से। नहीं, आपने बताया जैसे टैंकरों के द्वारा, किस तरह के टैंकर हैं वो, आते हैं कहाँ से आते हैं ये जानकारी? बाहर से आते हैं टैंकर जो है, जनपद अपने जिले के बाहर से टैंकर आता है, उतरता है। अब ये तो अगर प्रशासन पकड़े उसकी टेस्टिंग कराए, जब क्लियरली हो जाए कि हाँ साहब दबिश डाले, तब कहीं जाकर के पता चले। आप जानकारी हुई कि कितने रुपये लीटर उतरता है? जानकारी बताते हैं, 20-22 लीटर का रेट होता है उसका। क्या नाम आपका? मेरा नाम भीकम सिंह। क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या ये है कि ये तेल है, खाद मतलब इतना बेकार आ रहा है कि इसका तो ठिकाना नहीं है। आगे खाने में कि तुम्हारी जो है सब्जी में कोई स्वाद नहीं, किसी चीज़ में स्वाद आगे में, और बहुत परेशान है। मैंने सोचा जो फूल वाले आते हैं और जो सैंपल भरने के लिए नहीं है उन्हें तो भरते हैं, और जो चीज़ है भरने वाली उसे नहीं भरते हैं सैंपल वाले। फूल वाले कौन आते हैं? फूल वाले आते हैं, और वो जो चीज़ जो है, जो तेल है उसमें मिलावट इतनी जोर की चल रही है, ठिकाना ना है, खाने में कोई स्वाद नहीं, और इतने महंगा का जो ठिकाना ना है कुछ। क्या नाम आपका? मेरा नाम भीकम सिंह, हम गोपाल नगर में नई सब्जी की मंडी के पास। ये सब आश्वासनी में आपके द्वारा जो दुकानों पे निरीक्षण किया गया है, किस तरह का निरीक्षण, किस तरह के सैंपल लिए गए हैं? आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन लखनऊ एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए, विशेषकर नवरात्रि पर्व पर जो व्रत में यूज करते हैं लोग खाद्य पदार्थ, उसमें मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है पूरे जनपद में। आज शासनी में 4 नमूने संग्रहित किए गए हैं, हाँ, और उनकी जांच कराने के लिए प्रयोगशाला प्रेषित किया जाएगा जी। अभी दुकानदार भी बंद कर करके भाग गए, छोटे दुकानदार, उसमें क्या? जो दुकानदार मौके पर मिले हैं उनकी जांच कराई गई है, फिर टीम लगातार जनपद में अभियान कर रही है, और जहां कहीं भी मिलावट की सूचना मिलेगी टीम कार्रवाई करेगी। जी साहब, मेरा ये मानना है कि जो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यहां जो अन्य जनपदों से टैंकरों के द्वारा जो केमिकल आ रहा है, जो उसमें पनीर, घी, देसी घी, मिठाई बनाई जा रही है, क्या आपके संज्ञान में? नहीं, इस तरह की चीज़ें हमारे संज्ञान में आएगी तो कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पे पनीर में मिलावट को लेकर के विभाग ने काफ़ी कार्रवाई की है, लगभग सभी पनीर के प्रतिष्ठानों के नमूने लिए गए हैं और जांच के लिए भेजे गए, और उसके फेल आने पर संबंधित माननीय न्यायालय में वाद दायर किए गए। अभी अन्य जनपदों से जो दूध केमिकल आ रहा है दूध युक्त, क्या आपके संज्ञान में है, क्या प्रशासन मौन है? केमिकल की सूचना इस तरह की अभी नहीं है, जो भी हमारे सामने या हम लोगों को कोई शिकायत मिलती है या अभिसूचना के द्वारा, उस दूध की हम लोग तत्काल जांच कराते हैं मिलावट के शक पर, और प्रयोगशाला नमूना भेजा जाता है, और जांच के बाद जैसी रिपोर्ट आती है उस नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। क्षेत्र में चर्चा है कि विभाग मिला हुआ है, ये मिथ्या आरोप है।
बता रहे थे जिस तरह किस तरह के सैंपल लिए गए। हाथर से देवका टीवी 30 न्यूज़।